चुनाव के नजदीक आते आते राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी पार्टियों के नेता अपने अपने क्षेत्रों में पार्टी को मजबूत बनाने में लगे हैं। वहीं राजनीतिक पार्टियों के एक दूसरे पर जुबानी हमले भी लगातार जारी हैं। सभी पार्टियां अपने विरोधी पार्टी को घेरने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही। इस चुनावी माहौल में पत्रकारों से बात करते हुए भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला ने विरोधी पार्टियों पर निशाना साधा। सुभाष बराला ने इस दौरान कांग्रेस सहित जेजेपी को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सुभाष बराला ने कहा कि कांग्रेस देश द्रोहियों के हाथों में खेल रही है। साथ ही रणदीप सिंह सुरजेवाला द्वारा भाजपा के घोषणा पत्र पर किए सवाल का भी सुभाष बराला ने जवाब दिया और भाजपा के घोषणा पत्र को जनहितैषी बताया। क्योंकि जनता ने इतनी खुशी मनाई हमारे प्रत्याशियों की घोषणा के बाद और आम जन का और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का हौसला इतना बुलंद है आज के दिन, वो कहता है कि 8 सीट तो हम जीत करके देंगे ही और जो 2 हमारी सीटें बची हैं इनकी घोषणा भी जल्दी हो जाएगी, तो इनको मिला करके 10 की 10 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत करके हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को देने वाली है। क्या लगता है कि देखिए किसी तरह से कोई सीट असमंजस में नहीं है, हर पार्टी की अपनी एक रणनीति होती है चुनाव लड़ने की और हमारे पास टाइम भी पर्याप्त है। अभी अगर आज की बात करें, आज 9 तारीख है और 12 मई को चुनाव होगा, यानी कि पर्याप्त टाइम हमारे पास है। अभी नॉमिनेशन का टाइम भी लगभग 1 सप्ताह बाकी है शुरू होने में, इसलिए कोई जल्दबाजी भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से करने वाली नहीं। राजनीतिक मुलाकातें कोई नई बात नहीं है, ये होती रहती हैं, इनका कोई अलग से राजनीतिक मायने नहीं निकाला जाना चाहिए। देखिए इसमें से कुछ चीज़ें बड़ी साफ दिखाई देती हैं। अगर रणदीप सिंह सुरजेवाला की स्टेटमेंट को अगर ध्यान में करें, भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र कहता है, यानी कि संकल्प पत्र कहता है कि हम देश की एकता और अखंडता के लिए हमारे सुरक्षा बलों को खुली छूट जिस प्रकार से दी है वो दे करके रखेंगे। कांग्रेस पार्टी क्या कहती है, देश द्रोहियों के ऊपर जो जिस प्रकार के मुकदमे होते हैं उनको खत्म करने का काम हम लोग करेंगे, यानी कि देशद्रोह की धारा को खत्म कर देंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो देशद्रोहियों के हाथों में खेलने वाली पार्टी बन गई है। राहुल गांधी जिनके बाप दादा दादी सब लोग एक बात कहते चले गए कि हम गरीबी को मिटाएंगे, गरीबी को खत्म करेंगे, झूठे नारे और नारे देते रहे। अब भी कह रहे हैं कि हम देश के गरीब लोगों के खाते में हर साल 72,000 रुपये डाल देंगे। भाई आप लोग इतने लंबे समय तक आपने देश पर राज किया, 6 दशक तक आपकी पार्टी इस देश पर राज करने वाली है, आप लोगों के बैंक के अंदर खाते को खोल तक नहीं सके, आप आज उनके खाते में पैसा डालने की बात करते हैं। तो देश की जनता को अब इस प्रकार से गुमराह नहीं किया जा सकता। एक एक विषय के अंदर देश की जनता तुलना करके चलती है और इनके दावे खोखले साबित पहले भी हुए हैं और आगे भी। हरियाणा की बात कर ले, आज ये जजपा के नेता भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सवाल उठाते हैं। चौधरी देवीलाल जो इस देश के हरियाणा प्रदेश के एक बड़े नेता थे, कभी वो भारतीय जनता पार्टी के बगैर सरकार नहीं बना पाए। इनके दादा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भारतीय जनता पार्टी के बिना कभी सरकार नहीं बना पाए। इन्होंने कभी इनके सिवा हरियाणा में किसी भी विपक्षी दल ने गैर कांग्रेसी सरकार बिना भारतीय जनता पार्टी के बनाने का आज तक कोई उनका प्रयास सफल नहीं हुआ, लेकिन पहली बार हरियाणा के इतिहास में यह हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अकेले अपने दम पर पहली प्योर गैर कांग्रेसी सरकार बनी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सवाल उठाने से पहले अपनी पार्टी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर व इनेलो नेता अभय चौटाला की मुलाकात पर पूछे सवाल का जवाब देते हुए सुभाष बराला ने कहा कि मुलाकातें होती रहती हैं, इनके कोई राजनीतिक मायने नहीं निकालने चाहिए। वहीं हिसार व रोहतक की सीट पर किसी भी संशय से इनकार करते हुए सुभाष बराला ने कहा कि अभी समय है, जल्द इन सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। वहीं जेजेपी द्वारा भाजपा पर खड़े किए गए सवाल पर सुभाष बराला बोले कि चौटाला परिवार से कभी भी भाजपा के बिना सहयोग से सरकार नहीं बनी। सबसे पहले भाजपा ने ही हरियाणा में अपने बलबूते पर सरकार बनाई है। प्रथम तहलका के लिए टोहाना से नवल सिंह।